ने पूछा था कि अगर कोई ख़राब चीज़ है, कोई गलत, किसी पर जुल्म हो रहा है कुछ, तो वहाँ खड़े होकर उसका तमाशा देखने की क्या शरई हैसियत होगी? हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं लेकिन हम खड़े हैं। देखिए, हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम का मजमा बढ़ाए वो उन्हीं में से है। और हमारे उलमा ने, फुकहा ने वाज़ह तौर पर लिखा है कि हराम चीज़ का तमाशा भी हराम है। लिहाजा अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, या तो आप आगे बढ़ के उसको रोकें, और अगर आप नहीं रोकते तो फिर आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। और फ़र्ज़ कर लें कि आप हट नहीं सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं कि वहाँ पर कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है और आप वहाँ से उठ के नहीं जा सकते, तो फिर हुक्म शरा ये होगा कि ये भी रिवायात का मफहूम यही है कि अगर कहीं गुनाह हो रहा हो और कोई वहाँ मौजूद है लेकिन दिल में उसको बुरा जान रहा है, तो वो ऐसा है जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं, यानी उसके नामे अमल में कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर कहीं गलत काम हो रहा है और कोई वहाँ मौजूद नहीं लेकिन दिल में उसको अच्छा जान रहा है, तो वो ऐसा है जैसे वहाँ मौजूद है। इससे हमारे दरा वो तमाम भाई बहन भी दर्स हासिल करें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर, या जुल्म के मामलात देख रहे होते हैं, या कोई बता रहा होता है तो फिर वो कहते हैं वो दिल में उसको बुरा भी नहीं जानते सब कुछ, बल्कि हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, ये ऐसे हैं गोया कि वहाँ मौजूद हैं। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ जुल्म वगैरह हो रहा है तो बिल्कुल ना खड़े हों, तमाशा देखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और खुदा ना खास, यानी अगर आप तमाशा देखेंगे आप भी गुनाहगार होंगे। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो दिल में बिल्कुल उसको बुरा जानें, अच्छा नहीं समझिएगा, वरना गुनाहगार होंगे, और नहीं जा सकते तो दिल में कम अज़ कम बुरा जानते रहें।